स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपनी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ट्रिक्स, और उन प्रोबेबिलिटी ट्रिक्स को यूज करके हम लोग ने डिफरेंट जो जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व किया था। तो आज हम अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे हाउ टू मेक एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ गैमिट्स फ्रॉम द गिवन पेरेंट जीनोटाइप। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको उसका जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गैमिट्स आखिर होते क्या हैं, ठीक है? तो गैमिट्स दे आर हैप्लॉइड इन नेचर, और वी कैन से हैप्लॉइड इन नंबर। ओके, अब ये तो गैमिट्स दे आर द मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ओके, तो दे आर मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ओके, एंड व्हेन दीज गैमिट दे फ्यूज देन दे फॉर्म द जायगोट्स और ऑफस्प्रिंग्स। ओके, तो दीज गैमिट्स फ्यूजेस एंड फॉर्म जायगोट्स, और वी कैन से ऑफस्प्रिंग्स। ओके, तो अगर हम एक जनरल सा जो है क्रॉस करके देखें, सपोज अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करें कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ओके, तो व्हाट विल गेट? कैपिटल टी गैमिट एंड देयर स्मॉल टी गैमिट, क्योंकि ये क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल टी तो इसमें से कैपिटल टी गैमिट आएगा एंड स्मॉल टी इससे स्मॉल टी। अगर हम इसका क्रॉस कराएं तो हमें क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, तो F1 जनरेशन में हमें ये मिलेगा। ओके, सो ये गैमिट्स क्या किए, इन्होंने नया जायगोट बनाया, या हम कह सकते हैं ऑफस्प्रिंग। अगर इसका हम सेल्फिंग कर दें कैपिटल टी स्मॉल टी इनटू कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसे आप पुन्नेट स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी देन कैपिटल टी स्मॉल टी, तो व्हाट विल गेट? कैपिटल टी स्मॉल टी, तो आपको ये जीनोटाइप मिलेगा, ठीक है? तो गैमिट्स का काम क्या है? तो दे आर एक्टिंग एज अ reproductive structure, and these gametes when the parent crosses then in F1 generation the gamete form the new offspring, then again in the F1 generation these plants they will again self cross and then again they will form the other offspring। okay, तो ये gametes क्या कर रहे हैं, ये generation to generation pass हो रहे हैं, और साथ ही साथ ये क्या कर रहे हैं, new offspring या जो नए नए plants है उसे हर generation में form करने में help कर रहे हैं, ठीक है? तो gametes they are haploid in nature and they are main reproductive structure, and these gametes they fuse, or we can say these gametes they help in the formation of new zygotes, or we can say the offsprings. So these are about something about the gametes. Okay, so what are gametes? Okay, so now we will see how we can make the gametes and how we can calculate the number of gametes. Okay, so let's start our video. जैसे आप लोग के नीट के एग्जाम में नॉर्मली क्या होता है, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, ठीक है, या आपको जो डाई हाइब्रिड जीनोटाइप दे दिया जाएगा और उसमें से आपको पूछा जाएगा कि इसमें आप जो नंबर ऑफ गैमिट्स जो है उसे कैलकुलेट करिए, ठीक है? लेकिन अगर आप कुछ हाइयर लेवल्स के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि एम्स हो गया, या हम कह सकते हैं जो CSIR या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन केस में क्या हो जाएगा, जो आपकी कंडीशन जो दी जाएगी वो मे बी ट्राई हाइब्रिड भी हो सकती है और पॉली हाइब्रिड भी हो सकती है। तो आज हम मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड और पॉली हाइब्रिड कंडीशन देखेंगे, और उनमें कैसे हम जो गैमिट्स का नंबर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो आज हम सीखेंगे, ठीक है? तो चलिए, तो सपोज ये सब सीखने से पहले आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं वो पता होनी चाहिए किसी भी जीनोटाइप में, पेरेंटल जीनोटाइप में, ठीक है? अगर आप वो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए पेरेंटल जीनोटाइप में, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, तो जो नंबर ऑफ गैमिट्स है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जो बात आती है, अगर हम लोग देखते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, ओके, सपोज ये किसी पेरेंटल जीनोटाइप है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि हेटरोजाइगस और होमोजाइगस क्या होते हैं,
ठीक है, ये बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन तब भी मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि जो होमोजाइगस हैं वो क्या होते हैं और जो हेटेरोजाइगस होते हैं वो क्या होते हैं। तो सपोज आपको ये कंडीशन दे दी, ठीक है, एक कंडीशन ये दे दी, ओके। तो अब सबसे पहले आपको इसमें देखना कि जो आपका पेरेंटल जीनोटाइप है उसमें जो एलील्स हैं वो क्या हैं, वो ठीक है, वो मतलब होमोजाइगस या हेटरोजाइगस हैं, ठीक है। तो अगर इसकी बात हम करें पहले वाले जीनोटाइप की, तो ए ए क्या है, दोनों में सेम एलील प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये होमोजाइगस हो गया। ये चीज आपको पहले याद रखनी है, इसमें भी कैपिटल बी कैपिटल बी है, ठीक है, मतलब कि जो एलील्स दो हैं वो सेम है, तो ये भी होमोजाइगस हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरा पेरेंटल जीनोटाइप का, तो इसमें देखिए एक ये एलील होगी कैपिटल ए एक स्मॉल ए, तो ये क्या है, ये जीनोटाइप, ये क्या है, ये हेटरोजाइगस हो गया, ठीक है, तो ये कंडीशन क्या होगी, हेटरोजाइगस, ओके। अब अगर हम दूसरा देखें तो दूसरे में क्या है, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो ये भी क्या हो गया, हेटरोजाइगस, ठीक है। तो आपने पता लगा दिया कोई पेंटर जीनोटाइप में, पहले आपको पता लगाना है कि इसमें जो कितने पेयर्स हैं वो होमोजाइगस हैं या हेटरोजाइगस हैं, ठीक है। अब जो मेन फॉर्मूला आता है, तो मेन फॉर्मूला क्या है, सो नंबर ऑफ गैमिट्स इज इक्वल टू 2 की पावर n, ओके। अब n क्या है, तो n इज इक्वल टू हिटरोजाइगस, हिटरोजाइगस कंडीशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपको जो भी पेरेंटल जीनोटाइप है मिलेगा, चाहे वो डाई हाइब्रिड हो, चाहे ट्राई हाइब्रिड हो या पॉली हाइब्रिड हो, उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि हेटरोजाइगस कितने जो पेयर्स है वो हेटरोजाइगस है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अगर आपने हेटरोजाइगस पेयर्स को आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद आप नंबर ऑफ गैमेट बहुत ही इजिली सॉल्व कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो अब हम कैसे जो है नंबर ऑफ गैमेट्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें कितने नंबर ऑफ हेटरोजाइगस हैं, ओके, यानी कितने जो जीन पेयर्स वो हेटरोजाइगस हैं। तो देखिए ये क्या है, ये भी होमोजाइगस है, ओके। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी क्या है, होमोजाइगस। तो इसमें क्या है, जो नंबर ऑफ हेटरोजाइगस है जीन पेयर्स वो एक भी नहीं है, ठीक है। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ गैमेट्स, ठीक, कितने गैमेट्स बनेंगे, तो 2 की पावर क्या होता है, फॉर्मूला एन, तो एन इज इक्वल टू क्या होता है, हेटरोजाइगस कंडीशन या हेटरोजाइगस पेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हेटरोजाइगस जो पेयर हैं एलील्स के वो एक भी नहीं है, ठीक है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 0, 2 की पावर क्या हो जाएगा, 0। अब 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स होंगे वो 1 होंगे, ठीक है। अब इसे प्रूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमें यूज करना है फॉग लाइन मेथड, ओके। तो बाय यूजिंग फॉग लाइन मेथड ओके, तो बाय यूजिंग फॉग लाइन मेथड क्या होगा, हम लोग इसका प्रूफ करेंगे इसको, ठीक है। तो सपोज कैपिटल ए कैपिटल ए ओके, कैपिटल बी कैपिटल बी, ठीक है, तो इसमें कितने टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं, ए बी, ठीक है, तो कैपिटल ए और कैपिटल बी सिर्फ एक ही टाइप का गैमेट बन रहा है, ठीक है, देखा ना आपने, कैपिटल ए कैपिटल ए, देन हमने क्रॉस लाया कैपिटल बी कैपिटल बी, ठीक है। आप इसमें ये भी आपको देखने वाला है कि अगर आपका जो कंडीशन है वो होमोजाइगस है ना, तो उसे आप एक टाइम ही लिख सकते, लिखी है कैपिटल बी कैपिटल बी। अगर आप इसे दोनों टाइम लिखेंगे तब भी बात वही पड़ेगी, जैसे अगर कैपिटल ए कैपिटल ए देन कैपिटल बी देन कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी, तब भी आपको सिर्फ एक ही टाइप के गैमेट्स मिल रहे हैं, देखिए
ठीक है, तो कैपिटल ए कैपिटल बी। ओके, तो ये प्रूव हो गया कि जो ये फॉर्मूला है इट इज करेक्ट, और जो फॉर्मूला में हमें जितने गैमिट्स मिले थे 2 पावर n, यानी कि 1 गैमिट, अगर हम फॉक लाइन मेथड यूज करें तो उससे भी हमें कितने गैमिट्स मिल रहे हैं, 1 गैमिट। ओके, ये तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब हम देखेंगे डाइहाइब्रिड का एग्जाम्पल लेके, और देखेंगे कि उसमें कितने गैमिट जो हैं वो बन रहे हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहला वाला जो जीनोटाइप है वो लेंगे। ठीक है, तो पहला लेते हैं, क्या है जीनोटाइप, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, फिर आपको इसमें क्या पता करना है कि नंबर ऑफ हेटरोजाइगस पेयर्स। ठीक है, तो इसमें हेटरोजाइगस पेयर्स कितने हैं, देखिए ये तो ये पेयर हो गया, दूसरा ये पेयर हो गया। ठीक है, तो दो क्या है इसमें हेटरोजाइगस पेयर हो गए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ गैमिट्स इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक है, अब n इक्वल टू क्या है, हेटरोजाइगस कंडीशन। ओके, तो n इक्वल टू क्या हो गया, 2। ठीक है, क्योंकि यहां पे कितने हैं, 2 हेटरोजाइगस हैं, तो यहां पे क्या हो गया, n की पावर 2, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू टोटल 4 गैमिट्स। कितने गैमिट, 4 गैमिट्स। अब अगर अभी से प्रूव करना कि सच में 4 गैमिट्स बनते हैं और ये 4 गैमिट्स क्या क्या है, तब हम लोग क्या करेंगे, फॉक लाइन मेथड यूज करेंगे। ओके, तो फॉक लाइन मेथड। ओके, तो क्या करना हम लोग को, सबसे पहले कैपिटल ए लिख लीजिए, थोड़ी दूरी पे स्मॉल ए लिख लीजिए। ओके, आफ्टर दैट क्या आपको करना है, जो अदर जीन पेयर उसे ऐड करना है, तो क्या है, कैपिटल बी देन स्मॉल बी, अंडरस्टूड, देन हेयर अगेन कैपिटल बी देन स्मॉल बी। ओके, तो कितने गैमिट्स बन रहे हैं इसमें, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 4 गैमिट्स। तो सबसे पहला गैमिट ये हो गया कैपिटल बी, दूसरा गैमिट ये हो गया कैपिटल ए स्मॉल बी, देन स्मॉल ए कैपिटल बी, देन स्मॉल ए स्मॉल बी। तो ये फर्स्ट गैमिट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो जैसे कि आपने फॉर्मूलास कैलकुलेट किया 2 की पावर n 2 की पावर 2 देन 4 गैमिट, अब जब आपने फॉग लाइन मेथड यूज किया इसे कंफर्म करने के लिए, तब भी आपको कितने गैमिट मिले, 1 2 3 4, 4 गैमिट, तो प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ट्राई हाइब्रिड का पैरेंटल जीनोटाइप और उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ट्राई हाइब्रिड का जीनोटाइप, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। ठीक है, तो इस केस में क्या है, फिर से आपको हेटरोजाइगस कंडीशन जो है उसे देखना है। तो ये जो पेयर है ये भी हेटरोजाइगस है, ये भी हेटरोजाइगस है, ये भी हेटरोजाइगस है, तो कितने हैं, 3 है, यानी कि एन का नंबर कितना हो गया, एन इक्वल टू 3। ठीक है, तो फिर आपको फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ गैमिट्स विल बी इक्वल टू 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। ठीक है, कितने गैमिट्स बनेंगे इसमें, 8। ठीक है, तो चलिए अब इसे प्रूव कर लेते हैं। प्रूव कैसे करेंगे, बाय यूजिंग फॉग लाइन मेथड। ओके, तो कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, फिर आपको जो सेकंड पेयर है उसे लिखना है, क्योंकि ये हेटरोजाइगस है तो कैपिटल बी स्मॉल बी, हेयर अगेन कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट जीन पेयर लिखना है, ये भी हेटरोजाइगस है तो कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी।
इसमें भाई इसके कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, एक तो ये बना कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ठीक है। दूसरा क्या बना, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, देन नेक्स्ट कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ओके। अब इस केस में देखते हैं, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ठीक है। तो टोटल कितने कैबिट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये कैबिट बना, एक ये कैबिट, एक ये कैबिट और एक ये कैबिट, ठीक है। तो आपने क्या किया, फॉग लाइन मेथड से आपने कंफर्म कर लिया कि जो इस पेरेंट जीनोटाइप में कितने टाइप्स के जो गैमेट्स हैं वो बनेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। तो हमारा थर्ड एग्जांपल क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी कैपिटल सी, ठीक है। अब इसमें बताइए कितने नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस होंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, जैसे आप पेरेंट जीनोटाइप को सबसे पहले आपको देखना है कितने इसमें हेटेरोजाइगस प्रेजेंट है। तो देखिए ये भी हेटेरोजाइगस है, कैपिटल ए स्मॉल है, ये भी हेटेरोजाइगस है, ये जो लेकिन है वो क्या है, होमोजाइगस। तो दिस इज होमोजाइगस एंड दीज टू आर हेटेरोजाइगस, ओके। तो इसमें कितनी एन की वैल्यू क्या होगी, एन इक्वल टू 2, ठीक है। तो क्या होगा, नंबर ऑफ गैमेट्स इक्वल टू 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। अब कंफर्म कर लेते हैं हम लोग इसे भी, क्योंकि कंफर्म करना, हर एक चीज को कंफर्म करना जरूरी है, ठीक है। तो बाय यूजिंग फॉग लाइन मेथड, ओके। तो वही कैपिटल ए लिख लीजिए, स्मॉल ए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, दूसरा जो पेयर है कैपिटल बी स्मॉल बी, यहां पर भी कैपिटल बी स्मॉल बी, उसके बाद देखिए ये होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। क्यों, कैपिटल सी कैपिटल सी, इससे सिर्फ एक ही गैमेट आएगा, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, कैपिटल सी ओके, हेयर भी कैपिटल सी, ठीक है। अंडरस्टूड ना, आप देखते हैं गैमेट्स कौन कौन से बनते हैं। तो पहला गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, दूसरा गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। अब इसमें देख लेते हैं, पहला गैमेट स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, दूसरा गैमेट स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। तो 1 2 3 4, तो टोटल गैमेट्स कितने बने, 4 गैमेट्स बने, जैसा कि हम लोगों ने फॉर्मूला से कैलकुलेट कर दिया था, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, जो 4 गैमेट्स बने उसमें हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से गैमेट्स बने, उनका जो जीरो टाइप है वो क्या है, ठीक है, और वेदर दिस फॉर्मूला इट इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है, यानी जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं इट इज 100% करेक्ट। तो अब हम देखेंगे पॉलीहाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने ट्राईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में देख लिया था, तो अब हम क्या देखेंगे, पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। तो नेक्स्ट हम लोग जो जीनोटाइप लेंगे वो पॉलीहाइब्रिड का लेंगे, ठीक है। तो वो क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल डी कैपिटल डी, ठीक है। तो ये क्या है, ये पेरेंट का जीनोटाइप है। अब फिर इसमें से क्या आपको करना है, आपको इसमें सेलेक्ट करना है कि कितने हेटरोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। तो ये क्या है, हेटरोजाइगस, ये भी हेटरोजाइगस है, ये भी हेटरोजाइगस है, तो 3 क्या हो गया इसमें, हेटरोजाइगस हेटरोजाइगस।
और जो ये है ये क्या है, ये होमोजाइगस कंडीशन है। ओके तो यहां पे n की वैल्यू क्या आ गई, 1 2 3, अंडरस्टूड। तो n इज इक्वल टू 3, तो नंबर ऑफ गैमिट्स इज इक्वल टू 2 की पावर n, यानी 2 × 2 × 2 कितना हुआ 8, कितने गैमिट्स यहां बनेंगे 8। तो चलिए इसे भी कंफर्म कर लेते हैं, तो बाय यूजिंग फॉग लाइन मेथड, ठीक है, तो कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, देन आपको क्या ऐड करना है, जो सेकंड पेयर है कैपिटल बी स्मॉल बी, हेयर आल्सो कैपिटल बी स्मॉल बी, नेक्स्ट नेक्स्ट पेयर ये भी हिट हो जाएगा सर, तो इसे भी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी, इधर भी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी, ओके। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल डी, तो ये क्या है, ये होमोजाइगस कंडीशन हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं इसे, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन है, तो कैपिटल डी 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 कैपिटल डी, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कितने टाइप के गैमिट्स बने, तो पहला क्या बनेगा, ये यानी कैपिटल बी ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, दूसरा ये बन जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी सी कैपिटल स्मॉल सी कैपिटल डी, नेक्स्ट क्या बनेगा, ये गैमिट बन जाएगा कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, नेक्स्ट क्या बनेगा, ये बन जाएगा कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी कैपिटल डी। आप इस केस में देख लेते हैं, इसमें कितने बनेंगे, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, दूसरा स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी, तीसरा स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, चौथा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी कैपिटल डी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो टोटल जो गैमिट्स बने कितने बने, 8 बने। तो आपने इसे क्या किया, कंफर्म कर लिया बाय यूजिंग फॉग लाइन मेथड, यानी कि जो मेथड है ये भी सही है। तो अगर हम पॉलीहाइब्रिड जो पेरेंट का जीनोटाइप ले रहे हैं, अगर उसमें कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या हो रहा है, ये जो फॉर्मूला है वो इट इज 100% करेक्ट। ओके तो आपने इस तरह से जो पॉलीहाइब्रिड कॉस है उसमें भी चेक कर लिया कि आप कैसे जो नंबर ऑफ गैमिट्स हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो गैमिट्स हैं, ठीक है, उसे भी कौन कौन से गैमिट्स बने, उनका जीनोटाइप क्या है, वो भी आप देख सकते हैं बाय यूजिंग फॉग लाइन मेथड। ओके तो हम और कंडीशन देख लेते हैं, तुम्हारा नेक्स्ट क्या हो गया, फिफ्थ वन, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी, ठीक है। अब इसमें आपको पता करना है कि कितनी हिट हो जाएगा इस कंडीशन है, ठीक है, ठीक है, इसमें भी कर लेंगे, ये भी हिट हो जाएगा सर, ये भी हिट हो जाएगा, ये भी, तो कितने हैं, n इक्वल टू क्या हो गया 4, यानी जो हिट हो जाएगा कंडीशन है वो कितनी है 4, ठीक है, यानी जो 4 है वो जीन पेयर्स जो है वो क्या है, हिट हो जाएगा इन नेचर है। तो नंबर ऑफ गैमिट्स इक्वल टू 2 की पावर 4, ठीक है, 2 × 2 × 2 × 2, तो कितने बनेंगे, 2 × 4 × 8 × 16, तो टोटल गैमिट्स कितने बनेंगे, 16 गैमिट्स बनेंगे, ठीक है। तो चलो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, तो बाय यूजिंग फॉग लाइन मेथड, ठीक है, तो सबसे पहले कैपिटल ए लिख लीजिए, स्मॉल ए, ठीक है, सेकंड क्या है, अब आप सेकंड
जो पे आए उसे लिखिए, क्योंकि ये भी हेटेरोजाइगस है, तो कैपिटल भी आएगा स्मॉल भी आएगा, हेयर भी कैपिटल भी स्मॉल भी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो भी क्या है, हेटेरोजाइगस है, तो कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, यहाँ पर भी सेम कंडीशन आएगी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो फोर्थ पेयर है वो भी क्या है, हेटेरोजाइगस है, ठीक है, हेटेरोजाइगस है ना, तो इसे भी कैपिटल डी स्मॉल डी, 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 ठीक है। तो हमें ये मिले, तो इतने टाइप के हमें क्या हुए, गैमेट्स मिलेंगे। तो देखिए क्या देख लेते हैं कि गैमेट्स का जीनोटाइप वो क्या है। तो सबसे पहला ये आएगा, ठीक है, यही तो आएगा, कैपिटल बी कैपिटल बी ए, कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल डी। तीसरा ये वाला आ जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी। चौथा ये वाला आ जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, ठीक है। अब ये पेयर आएगा, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, अगेन ये वाला पेयर आएगा, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल डी। नेक्स्ट ये पेयर आएगा, ये आएगा, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी कैपिटल डी, देन ये वाला आ जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी कैपिटल डी। ओके, तो ये वाला जो है वो कंप्लीट हो गया। आप इसकी बात करते हैं, इसमें क्या आएगा, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, देन स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल डी। अब ये पेयर आएगा, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी, देन नेक्स्ट दिस वन, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल डी। अब इसे क्या देख लेंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, देन दिस वन, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल डी, देन दिस वाला, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी कैपिटल डी, एंड द लास्ट वन दिस वन। तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, ठीक है। तो टोटल हमें कितने गैमेट्स मिले, 1 2 3 4, ठीक है, देन 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो टोटल हमें गैमेट्स कितने मिले, 16। तो हमने फॉल बैक मेथड से प्रूव कर दिया कि टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स जो है वो 16 है, यानी जो पेरेंटल जीनोटाइप है इसमें अगर नंबर ऑफ गैमेट्स कैलकुलेट करें तो वो कितने आएंगे, 16, ठीक है, अंडरस्टूड ना। तो ये हो गया हमारा पॉलीहाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल। तो एक और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक और हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल, ये हमारा लास्ट एग्जांपल है। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल 6 देख लेते हैं। तो कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, देन कैपिटल सी स्मॉल डी, एंड देन कैपिटल ई कैपिटल ई। ओके, तो हम लोग ये एग्जांपल ले लेते हैं।
ठीक है, तो इसमें कितने, फाइव पेयर, 1 2 3 4 5 जीन पेयर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर हेटरोजाइगोस हैं या हेटरोजाइगस कंडीशन है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहला ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, क्योंकि ये सेम एलील इसमें प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, होमोजाइगस। तो ये क्या हो गए, हेटरोजाइगस, हेटरोजाइगस, एंड द लास्ट वन इट इज होमोजाइगस, होमो जाइगस। ठीक है, तो इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर वही फॉर्मूला आएगा, नंबर ऑफ गैमेट्स विल बी इक्वल टू 2 की पावर n, 1 2 3 4। ठीक है, तो n इक्वल टू क्या हो गया, 4। अंडरस्टूड ना, तो क्या हो गया, 2 × 2 × 2 × 2, टोटल 16। तो इस पेरेंटल जीनोटाइप में कितने गैमेट्स होंगे, 16 टाइप्स के गैमेट्स होंगे। ठीक है, तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग फॉग लाइन मेथड। ओके, तो सबसे पहले कैपिटल ए, स्मॉल ए। ठीक है, तो पहला जीन पेयर हम लोग लिख लिया। उसके बाद आता है सेकंड जीन पेयर, वो भी क्या है, हेटरोजाइगस। उसके बाद थर्ड जीन पेयर, उसके बाद फोर्थ जीन पेयर, ये भी हेटरोजाइगस है। तो कैपिटल डी स्मॉल डी, 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 कैपिटल डी स्मॉल डी। और जो पांचवा पेयर है वो क्या है, होमोजाइगस। तो इसे हम लोग सिर्फ एक टाइम लिखेंगे, कैपिटल ई, कैपिटल ई, कैपिटल ई, कैपिटल ई, कैपिटल ई, कैपिटल ई, कैपिटल ई। ओके, तो अब हम देखते हैं कितने टाइप के गैमेट्स बने, और वो गैमेट्स क्या हैं जो हमने कैलकुलेट किए हैं, वो इक्वल हैं कि नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, पहला क्या बना, ये गैमेट। तो ए बी सी डी ई, दूसरा ये गैमेट बन गया, ए बी सी स्मॉल डी ई, नेक्स्ट ये गैमेट बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी कैपिटल ई, नेक्स्ट ये गैमेट बन जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल डी कैपिटल ई, नेक्स्ट ये बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल ई, नेक्स्ट ये बन जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी सॉरी स्मॉल डी कैपिटल ई, नेक्स्ट ये बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी कैपिटल डी कैपिटल ई, नेक्स्ट ये बन जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल ई। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं दूसरे वाले का। तो सेम तरह ये भी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल ई, देन दिस वन स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल डी कैपिटल ई, नेक्स्ट दिस वन स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी कैपिटल ई, देन दिस वन स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल डी कैपिटल ई। ओके, अब ये केस देख लेते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल ई, देन सेकेंड वन विल बी दिस स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल डी कैपिटल ई, देन दिस वन विल स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल ई, देन द लास्ट विल बी दिस स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी देन स्मॉल डी स्मॉल ई। ठीक है, तो टोटल कितने गैमेट्स बने, 1 2 3 4 5 6
सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन। ठीक है, तो देखा आपने कि अगर आपने फॉग लाइन मेथड भी यूज किया तो उससे हम लोगों ने क्या किया कि उससे भी पता लगाया कि 16 गैमेट्स बने, और जो हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया नंबर ऑफ गैमेट्स टू की पावर एन, उससे भी हमें कितना पता चला कि 16 गैमेट्स बने। ठीक है, तो दोस्तों ये एक ट्रिक है जिसमें आपको बस नंबर ऑफ गैमेट्स जो है वो कैलकुलेट करना। कैसे करेंगे, सिर्फ हिट्टोजाइगस कंडीशन को पहचान के। कोई भी आपको ये पेंटा जीनोटाइप दे दिया जाएगा और इस पेंटा जीनोटाइप को आपको बस जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है या हेटेरोजाइगस पेयर है उसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, वो कैलकुलेट करने के बाद डायरेक्टली आप नंबर ऑफ गैमेट जो है 2 की पावर n से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आप उससे डायरेक्टली बता सकते हैं कि इस पेरेंटल जीनोटाइप में कितने जो गैमेट्स हैं वो बने। तो आपको ये फॉग लाइन मेथड यूज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं। ठीक है, तो इस मेथड को यूज करके अपना क्या कर सकते हैं कि आप अपना जो टाइम है वो बचा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको ये फॉग लाइन मेथड बनाने कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस सिंपल सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ गैमेट्स इक्वल टू की पावर एन, इससे आप क्या करेंगे कि कोई सा भी जो क्वेश्चन है पेरेंटल जीनोटाइप से रिलेटेड जो आएगा जिसमें आपको नंबर ऑफ गैमेट्स पूछा जाएगा वो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या था, तो ये मेरा एक वीडियो था जिसमें आप नंबर ऑफ गैमेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर आप जो नंबर ऑफ गैमेट्स कैलकुलेट किया है अगर उसे आप फर्दर कंफर्म करना चाहते हैं कि नंबर ऑफ गैमेट्स जितना कैलकुलेट किया हमने इस फॉर्मूला से, तो बाय यूजिंग फॉग लाइन मेथड से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक प्रॉब्लम दूंगा, आप घर पर बैठ के उसे ट्राई करिए। जैसे कि मैं आपको एक प्रॉब्लम दूंगा, जैसे कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी और कैपिटल ई स्मॉल ई, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। ये जो पेरेंटल जीनोटाइप है इसे सॉल्व करिए और बताइए मुझे कि नंबर ऑफ जो गैमेट्स हैं वो कितने बनेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये प्रॉब्लम जो दे रहा हूँ ये दे रहा हूँ, आप इसे सॉल्व करके मुझे बताइएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए कि इसमें जो नंबर ऑफ गैमेट्स हैं वो कितने बनेंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जितना मैक्सिमम हो सके उतना पेरेंटल जीनोटाइप अपने आप बनाइए, और उसके बाद जितना मैक्सिमम हो सके उतना आप जो नंबर ऑफ गैमेट्स हैं वो कैलकुलेट करिए। इससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो होती रहेगी और आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा जो वीडियो है वो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में जेनेटिक्स रिलेटेड दूसरी टिप्स में, कि आप जो जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स है वो जो अदर्स टाइप्स की प्रॉब्लम्स जो एग्जाम में पूछी जाती है उसे कैसे दूसरी टिप्स से सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।